सुप्रीम कोर्ट में कल प्रशांत भूषण एडवोकेट के क्रिमिनल कंटेम्प्ट मामले में सुनवाई हुई। मामला जून महीने में ट्विटर पर दो ट्वीट करने से संबंधित था। इसमें पहले ही उनको गिल्टी करार दिया जा चुका है। कल जो सुनवाई हुई थी वो हियरिंग पर हुई, सेंटेंस पर हुई थी कि कितनी सजा इस मामले में प्रशांत भूषण को दी जाए। इस मामले में प्रशांत भूषण की तरफ से पहले हियरिंग को डेफर करने के लिए कहा गया था कि जब तक इस मामले का रिव्यू नहीं हो जाता है तब तक उस जो सेंटेंस पर हियरिंग ना हो, लेकिन कोर्ट ने उसके लिए मना कर दिया। उसके बाद उसमें आर्ग्यूमेंट्स हुई। सीनियर एडवोकेट राजीव धवन और सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे ने प्रशांत भूषण की तरफ से पक्ष रखा। प्रशांत भूषण ने भी खुद भी उस मामले में पक्ष रखा। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के वेणुगोपाल ने इस मामले में कहा कि इसमें रिकंसिडर करने की जरूरत है, कि उनको माफी दी जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में लिखा कि अगर प्रशांत भूषण अनकंडीशनल अपोलॉजी 24 तारीख तक अगर फाइल करते हैं तो 25 तारीख को इस मामले में दोबारा सुनवाई करते हुए उसी तरह से कंसीडर किया जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऑर्डर जो है सेंटेंस पर रिजर्व कर लिया है और सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अपनी जजमेंट देगा। इस मामले में कल जो ऑर्डर पास हुआ था उस ऑर्डर में गलती से के वेणुगोपाल जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है उनकी प्रेजेंस मार्क नहीं की गई थी। आज फिर से इस मामले में रिवाइज्ड ऑर्डर निकाला गया है जिसमें सीनियर एडवोकेट के वेणुगोपाल जो कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है उनका नाम दिया गया है।